के बैठक में तय होगा एजेंडा में। आपको बड़ी खबर जयपुर से बताते चले कि विधानसभा में आज सर्वदलीय बैठक होनी है, जिसमें सर्वदलीय बैठक में आरएलपी शामिल नहीं होगी, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी शामिल नहीं होगी। दोपहर 2 बजे विधानसभा में यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में विधानसभा सत्र संचालन का एजेंडा तय किया जाएगा कि किस हिसाब से विधानसभा सत्र चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का पहला सत्र सरकार बनने के बाद, या फिर यूं कहें कि चुनाव होने के बाद से 19 तारीख से पहला सत्र चल रहा है, और इसीलिए सर्वदलीय बैठक ये शेड्यूल होता है, मतलब रूल्स होते हैं, कह सकते हैं परंपरा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। और कल अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई जाती है ताकि एजेंडा तय किया जाए कि विधानसभा सत्र किस हिसाब से चलेगा, ताकि विधानसभा या फिर लोकसभा की अगर बात करते हैं सत्र की, तो वो हंगामे की भेंट ना चढ़े, सभी दल को पूरा पता रहे कि किस बात पर डिस्कशन होनी है। और साथ ही आपको यह भी पता चले कि विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर आज आयोजित होने वाली सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विधायक हनुमान बेनीवाल को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन बेनीवाल इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला इसलिए किए क्योंकि बेनीवाल के मुताबिक राज्य का युवा पीड़ित है। नई सरकार के गठन को लेकर 1 महीने से भी अधिक समय हो गया, मगर सरकार राजस्थान के युवाओं को न्याय देने की बात पर खामोश नजर आ रही है, और इसीलिए अब हनुमान बेनीवाल ने बायकॉट किया है। की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जीत इन नौजवानों की बदौलत हुई, तो मैंने सर्वदलीय बैठक आरएक लोकतांत्रिक पार्टी, जो जवान की पार्टी राजस्थान के अंदर, किसान की पार्टी है और जवान किसानों की सबसे लंबी लड़ाई आरएलपी पार्टी ने, चाहे लोकसभा के अंदर में था यहाँ था, लड़ाई लड़ी। और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस सर्वदलीय बैठक में इसलिए हिस्सा नहीं लूंगा कि आरपीएससी को बंद करे सरकार, ये हमारी मांग है।